आगे बढ़े, आपको बताएं पीटीए की खवातीन डील के जरिए बाहर आए। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया डील के नाम पर मफाहमत हुई है, ये जमात अमरीकी अकाओं के आगे सजदा रेस है। वजीर इत्तला पंजाब अजम बखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर अला पंजाब सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। भारतीय फिजाई आलूदगी लाहौर को मुतासर कर रही है, पंजाब हुकूमत स्मोक के खिलाफ जाफिशानी से काम कर रही है। स्मोक फैलाने वाले कारखाने बंद किए जा रहे हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो लाहौर के अंदर जो इंडेक्स है स्मॉग के हवाले से, जो फिजाई आलूदगी है वो इस वक्त पीक पे है, और उसमें जो स्टबल बर्निंग है उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से पंजाब हुकूमत ने जो है वो मैनेज कर लिया था। और पिछले चंद दिन में जो एवरेज है लाहौर के अंदर वो इंडेक्स जो है 157 के ऊपर था। मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो एक विजन है स्मॉग के हवाले से, जिसको हमारी सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो बहुत स्पेयरहेड भी कर रही हैं, उसको बहुत जाफिशानी के साथ उस पर काम कर रही है। ये काम स्मॉग पहले भी होती रही है इस मुल्क में, स्मॉग जो है हमेशा होती रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि भट्टे में स्मार किए गए हों, कभी आपने ये नहीं देखा कि जो आलूदगी फैलाने वाली कारें हैं उनके चालान किए गए हों। स्मोक एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए, ये कभी नहीं हुआ।